गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है जीरो लेवल बेसिक मैथ। एक ऐसी क्लास जहां से आपकी एक खोई हुई उम्मीद वापस आती है और हम सीखते हैं एकदम जीरो से। क्वेश्चन नंबर होगा पहला, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ होगी और चैप्टर नंबर आपका 1.3 होगा, वही इंग्लिश मीडियम वालों के बुक में लिखा होगा एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल, और हिंदी बुक में लिखा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का आकलन कीजिए। ये सब क्या है, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लास को अगर समझना है तो कम से कम 10 मिनट देखना। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम नहीं है तो अभी से हम आपको प्रणाम करते हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले आपको समझ में नहीं आएगा। कम से कम 5-10 मिनट देखोगे तभी समझ में आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो सब मैंने बोला ना, ये नाटक किया जाता है कैमरे के आगे। मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग, इस समय सुबह के 5 बज चुके हैं, तो साथियों वो दो लाइनें तो मैंने आपको सुनाया था ना, जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं नींदे आँखों की, क्योंकि रात भर जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। इस समय रात्रि के 12:27 हो चुके हैं और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही जिससे कि आपको सुबह मिल सके, और हमें पता है कि सुबह उठने में लेट होगा तो फिर आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, है ना, देख लिए आपकी नहीं तो चलें। चलिए अब रियल दुनिया में आते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए, व्यापक नियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ हल्का सा। साथियों व्यापक नियम का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपके घर में शादी पड़ा है या फिर आप अपना मकान बनवा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा लग रहा है, बड़ा खर्चा लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को अनदेखा कर दिया जाता है, छोटी मोटी चीज़ों को अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे कि अगर 10,518 रुपये लग रहा है तो उसमें अगर 18 रुपये का हिसाब नहीं मिलता है शादी ब्याह में या फिर कोई बड़े काम में, तो कोई 18 रुपये का हिसाब के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है ना। तो वही इसमें भी करना है, इसमें व्यापक नियम लगाना है, मोटा मोटा हिसाब करना है, बात समझ रहे हो ना, छोटा मोटा हिसाब नहीं करना, मतलब मोटा मोटा हिसाब करना है। तो देखना कैसे करेंगे। हमने कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, वो क्या था, नियरेस्ट 100 पढ़ाया था ना, तो आज हम उसी का यूज करेंगे साथियों। इसको जब हम ऐड करेंगे तो नियरेस्ट 100 का यूज करेंगे, तो आप हमें ये बता दो कि नियरेस्ट 100 के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये 730 किसके नियरेस्ट है, 730 किसके नियरेस्ट है भाई, सिंपल सी बात है, 730 700 के नियरेस्ट है, 800 के तो है नहीं, है ना, और जो 998 है ये 1000 के नियरेस्ट है, ठीक। इस तरह से जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 1700 आएगा, ही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम की बुक में लिखा है एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, एस्टिमेट मतलब होता है एक प्रकार से लगभग में, बात समझ रहे हो ना, एकदम एक्यूरेट नहीं, लगभग में, ठीक ना। तो आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समझ में आएगा। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये 730 था, ये 998 था, ये सब जोड़ के 1700 का लिख दिया, तो ये 1700 तो नहीं होगा, इसको अगर आप सही सही जोड़ोगे तो ये 1728 लगभग आएगा, लेकिन ये इस्टीमेट वैल्यू दिखाई जा रही है, लगभग वाला। यही आपको करना है आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो, अगर लाइफ में कहीं आगे ऐसे मिलता है आपको एस्टिमेट वैल्यू बताना होता है तो आप यही तरीका अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पे देखना। तो दूसरा क्या है, और हाँ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप कम से कम 10 मिनट देखना जिससे समझ में आए, नहीं आएगा नहीं। ये है 12,904 और ये है 2,888। देखो यार ये 904 है ना, इसका क्या करेंगे हम, ये लास्ट का 3 डिजिट देखो, 904 है, इसका आप नियरेस्ट 100 लिखोगे तो नियरेस्ट 100 लिखोगे तो ये 12,900 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12,900, और ये 2,888 जो है इसमें 2000 की तो बात छोड़ दो, 888 अगर आप लोगे, इसको नियरेस्ट 100 करोगे तो ये 900 हो जाएगा, यानी कि 2,900। इस तरह से आप इसे जोड़ोगे तो ये 00998181 है ना, कैरी 1, और 22415 और ये 2, इस तरह से ये 25,800 आएगा एस्टिमेट वैल्यू, बात समझ में आई ना, जिसे क्या कहते हैं, ये व्यापक रूल का प्रयोग करके आकलन किया गया है,
आकलन मतलब कहते हैं ना कि आकलन करिए कितना आएगा खर्चा, कुछ एक आंकड़ा बताइए, है ना, वही है ये। मित्रों मैंने आपको ये कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट जानकारी बता दिया। इसमें आप एक बात और भी देख लो, ये जो मैंने लगाया ये नियरेस्ट 100 के आधार पर है। क्या है ये नियरेस्ट 100 के आधार पर है, लेकिन जो आपकी बुक में कहा गया है व्यापक रूल, जनरल रूल का प्रयोग करके लगाइए, उसमें नियरेस्ट 1000 का यूज किया गया है। तो आप इसको नियरेस्ट 1000 का यूज करके भी देख लीजिए, ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ये नियरेस्ट 100 पर आधारित है, लेकिन आपको जो अगर 6th क्लास में आप हैं तो आपको नियरेस्ट 1000 का प्रयोग करना है। नियरेस्ट 1000 क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, छोटा सा। जैसे मैंने लिखा है 1800, 1800 ना, तो इसके पहले क्या रहा होगा जरा सोचिए। 1000 रहा होगा, इसके बाद 2000 आएगा, बोलो आएगा ना। 1800, 1000 और 2000 के बीच होगा, होगा ना। लेकिन ये गेस करो कि 1800 2000 के ज़्यादा करीब है या फिर 1000 के ज़्यादा करीब है, मतलब किसके ज़्यादा पास है ये। तो आप पाओगे कि ये 2000 के ज़्यादा पास है ना। तो यानी कि अगर इसका कहीं नियरेस्ट 1000 लिखना हो तो इसका नियरेस्ट 1000 2000 होगा, 1000 नहीं होगा। बात समझ गए ना, कुछ समझ में आया, पूरा आएगा। अगला एक और देख लो छोटा सा। अगर कहीं लिखा है 19900, 19900, जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि ये 19000 और 20000 के बीच होगा, 19000 20000 के बीच होगा ना। लेकिन आप ये अनुमान लगाओ कि ये 19000 के ज़्यादा करीब है या फिर 20000 के ज़्यादा करीब है, तो आप देखोगे ये मात्र 100 कम है बस, बाकी 20000 के बराबर जा रहा है ना। यानी कि किसके करीब है, वो 20000 के। एक छोटा सा और देख लीजिए, इसी में लगे हाथ देख ही रहे, तो ये है 199, लेकिन हमें 1000 में चलना है यार, तो 2199 लिख लो, है ना। अब देखो ये 2199 अगर इसका नियरेस्ट 1000 पूछेगा तो क्या करोगे, ये पहला नंबर तो 2000 और 3000 के बीच है, आप सभी को पता है। लेकिन ये बताओ कि 2199 जो है ये 2000 के ज़्यादा करीब है कि 3000 के, जल्दी से बताओ, सभी जानते हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। तो यार सिंपल सी बात है, ये मात्र 199 ज़्यादा है बस, बाकी ये 2000 के करीब है ना, 3000 तो काफ़ी लंबा है, दूर है। समझ गए ना, नियरेस्ट 1000 का मतलब समझ गए ना, यानी कि जिसके ज़्यादा करीब रहेगा। ये कैसे लेकिन अनुमान लगाओगे, इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझ लो कि अगर 0 से 499 तक है, क्या है 0 से 499 तक है, तो उसका नियरेस्ट पीछे वाला नंबर होगा। पीछे वाला मतलब जैसे ये मैंने 2000 इसका बताया ना, ये पीछे वाला नंबर है। अगर ये नंबर 500 से लेकर 999 तक है, कितना तक है 500 से लेकर के 999 तक है, तो इसका नियरेस्ट 1000 आगे वाला नंबर होगा। आगे वाला मतलब जैसे इधर का ये 3000 है, बात समझ गए ना। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों आँख से अच्छे से दिमाग लगा के, कि जो इसका लास्ट का 3 डिजिट है, केवल 3 डिजिट तुलना करोगे बस, पूरा नहीं, ये सिर्फ 3 डिजिट, 199 है ना। 199 किसके नियरेस्ट है, मतलब इसमें दोनों में से जो मैंने घेरा है किस में आता है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा ऊपर वाले में ना। और मैंने कहा है कि 0 से अगर 499 के बीच आया तो उसका नियरेस्ट जो है वो, सॉरी, नियरेस्ट 1000 पीछे वाला नंबर होगा, यानी इधर वाला ना। तो एक छोटा सा और बता दो, उसके बाद फिर हम इसमें चलते हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है साथियों, क्वेश्चन आप बुक वाला एक भी करो या ना करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं अवधारणा। हिंदी की जो है वो लैंग्वेज बड़ी कठिन है, लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा, है ना। ये जो मैंने हिंदी में ये सारी राम कथा लिखा है ना, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में प्रत्येक का आकलन कीजिए, इतनी फालतू से आई गई ना। इसको इंग्लिश में 2 लाइन नहीं, आधा लाइन में लिखेंगे, इस्टीमेट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, बस इतना ही लिखना था, इस्टीमेट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, यहीं तक आ जाता। चलिए देखते हैं, फिलहाल हिंदी हमारी मातृभाषा है, सम्मान करते हैं हम लोग भी। चलिए तो एक बात और बताइए, नियरेस्ट 1000 में अगर मैं बात करूं कि 4900, लेकिन
ऐसे कर लो 4,499। इसका नियरेस्ट थाउजेंड जल्दी से बताओ कितना आएगा, कोई बताए नियरेस्ट थाउजेंड, कोई बताए जल्दी से। इसमें बहुत से स्टूडेंट जुड़े हैं जो काफ़ी समझदार हैं, लेकिन वो बड़ा लजाते हैं कि कमेंट करेंगे तो कहीं मेरा नाम ना कोई देख लिया, है ना। चलिए ठीक है, मत करिए। ये 4,000 और 5,000 के बीच है कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो थाउजेंड की बात हो रही तो जिसका उत्तर होगा वो थाउजेंड में ही होगा, चाहे तो इसका नियरेस्ट थाउजेंड 4,000 होगा चाहे 5,000 होगा, दोनों में से एक ही होगा। लेकिन होगा कौन, वो रूल दिमाग में बसा लो। मैंने बताया था अभी कि जीरो से लेकर के अगर 449 तक है और एक 500 से लेकर 999 तक है, तो अगर ये इसके बीच नंबर है, जीरो से 499 के सॉरी 49 के बीच है, जीरो से 449 के बीच है, यार थोड़ा सा मिस्टेक था क्या, ये 449 नहीं, इसे आप 499 लिखोगे, 499 लिखोगे, क्योंकि उसके बाद ये आता ना जस्ट 499 तक है, तो उसका नियरेस्ट जो थाउजेंड है वो पीछे वाला नंबर होगा। पीछे वाला मतलब इधर बैक वाला, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसका नियरेस्ट थाउजेंड ये 4,000 होगा, है ना। अगर 500 से लेकर 999 तक है तो ये आगे वाला होगा, बात समझ गए ना। तो ये अगर ये 449 होता जैसे है तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन अगर मैं इसी में लिख देता और का लिख देता ये 599, तो इसका नियरेस्ट थाउजेंड 5,000 होता, समझ गए ना। तो अब इसका उत्तर तो आप थाउजेंड वाले में भी बता ले जाओगे, अब तो कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए ना। और मैं आपको बता दूं ये क्लास सुबह 5 बजे अब चलेगी, 1 फरवरी से सुबह 5 बजे शुरू हो गई है। जिनको सुबह उठने में हैरानी होती है वो सोचे कि ज़िंदगी में करेंगे क्या यार, कुछ करना चाहते हो लाइफ में कि नहीं। अगर नहीं उठ सकते हो सुबह तो मेरी तरह बेवकूफ़ों की तरह रात भर जागो, आप 4 बजे सो जाओ ना, ठीक है 4 बजे तक जागो, 4 बजे सो जाओ, मत उठो सुबह, लेकिन हाँ करो तो ना कुछ। अगर दिन में आप पढ़ाई करते हो तो हम मानते हैं जहाँ तक नहीं हो पाती है उसका कारण क्या है। अगर आप घर पे हो और आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, भाई भैंसिया चिल्ला रही है उसको चारा दे दो, दादी बोल रही है अरे भैया जा सामान ले आओ दुकानिया से तो आए पढ़ा, हाँ मम्मी बोल रही भैया थोड़ा सा कुछ सब्जी ही मंगा ली जाओ ले आओ, है ना, दिन की हाल बता रहा हूँ। और अगर आप कमरा लेके पढ़ रहे हो, मतलब कहीं रूम लिए हो, अरे यार चलो थोड़ा सा सॉन्ग सुन लेते हैं अभी पढ़ेंगे, है ना, ला थोड़ा फलानवा से बात कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे, फिर होता क्या है पता है, ऐसे ऐसे करके पूरा दिन बीत जाता है। फिर कहीं कोई आ गया पड़ोसी साथी और हो क्या कर रहे हो, अरे यार हमेशा तो पढ़ते रहते हो, है ना, बात समझ रहे हो, कोई बात छेड़ दिया पहले ज़माने वाली होने लगी, ऐसे ऐसे पूरा टाइम बीत जाता है। लेकिन रात में क्या होगा, रात में ना तो गैया चिल्लाएगी चारा देना पड़ेगा, और ना मम्मी की सब्जी लानी पड़ेगी, और ना ही कोई फ्रेंड आपको आके जगाएगा, और आप जो काम करोगे ना बड़े आराम से कर ले जाओगे। और इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप रात में पढ़ाई करने को सोचें, कुछ भी करिए पढ़ाई ही नहीं, रात में कुछ भी करोगे ना बहुत सुकून से रहोगे, और समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए तो ये 12,904 अगर इसको हम इस्टीमेट करेंगे तो ये कितना होगा पता है, देखो ये 904 है यार, कितना ज़्यादा है ना, 13,000 के करीब है ना, यानी कि जो इसका इस्टीमेट वैल्यू होगा थाउजेंड में वो 13,000 होगा, 13,000 होगा ना। और ये 888 देखो किसके करीब है, ये किसके करीब है, ये 2,888 जो है वो 3,000 के करीब है कि 2,000 के, तो आप पाओगे कि ये जो 2,888 है साथियों ये 2,000 के करीब नहीं है, 2,000 से बहुत दूर है, ये 3,000 के करीब है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3,000 इस तरह से जोड़ोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16,000, कितना आएगा 16,000। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि आपके बुक में जो कहा गया है इस्टीमेट ऑफ द फॉलोइंग वो एक मोटा मोटा हिसाब बताना है बस। इसे आप नियरेस्ट 10 पर भी जोड़ सकते हो, नियरेस्ट 100 पर मैंने अभी आपको बताया था, ये नियरेस्ट 1,000 का है, नियरेस्ट 100 वाला मैंने अभी आपको बताया था कि ये 12,900 होगा और ये 2,900 होगा, है ना, ये नियरेस्ट 1,000 वाला है। नियरेस्ट 10 पर अगर इसे आप जोड़ोगे तो ये 12,900 तब भी होगा, हाँ ओके ठीक है, और ये 888 जो है ना, 888 जो है ये 90 हो जाएगा, यानी कि 890
2890 ये नियरेस्ट 1000 का है, ये नियरेस्ट 100 का है, और ये नियरेस्ट 10 का है। यानी कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, नज़दीकी वैल्यू ये है, उससे थोड़ा सा दूर मोटा हिसाब में ये है, और सबसे मोटा भाई हिसाब में ये है। बात समझ रहे हो ना? इसको जब आप जोड़ोगे तो करेक्ट आंसर के जो सबसे करीब होगा वो ये वाला होगा, उससे थोड़ा दूर ये होगा, और ये सबसे ज़्यादा दूर होगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये था नियरेस्ट 100 और 1000 का क्वेश्चन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल में। ध्यान से देखना और पूरा क्लास देखना, क्योंकि नींद आंखों से गायब हो चुकी है। अब बस आगे देखते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बी नंबर ऑप्शन। इसको भी इस्टीमेट करना है। देखो यार, ये 1000 में तो है नहीं, तो इसको हम नियरेस्ट 1000 कर ही नहीं सकते हैं, नियरेस्ट 100 में चलेंगे। तो साथियों, ये जो 796 है ना, ये 800 के करीब है ना, 800 के करीब है, और ये 314 किसके करीब है? नियरेस्ट 100 करोगे इसका तो 300 आएगा, इस तरह से आप घटाओगे तो ये 500 आएगा। जो आप सभी बिना बोले देख रहे हैं वो भी मैं देख पा रहा हूँ, रेड कलर में लिखा है ना। क्या भरा जाएगा डैश वाले स्थान पे, बताइए, अनुभव के साथ बताइए। आंखों में नींदे ना दिल में करार, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। और ये मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, इंसान से भी हो सकती है, जानवर से भी हो सकती है, किसी वस्तु से भी हो सकती है, या फिर अपने काम से भी हो सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को किससे है, किसी इंसान से है, किसी जानवर से है, या किसी काम से है। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे, हमें तो यही पीवीआर स्टडी से है, क्योंकि आप देखते होंगे 24 घंटे में लगभग, ये मान लीजिए कि 18 घंटे तो हम आपके इसी काम में लगे रहते हैं, चाहे कैमरे के आगे हों या कैमरे के पीछे हों। कैमरे के आगे होते हैं तो आप लोग देखते हैं, कैमरे के पीछे होते हैं तो आप लोग नहीं देखते हैं। शायद आपको पता है कि ये क्लास रात में 1 बजे रिकॉर्ड हो रही है, और हम कब सोएंगे आप नहीं मालूम होगा आपको। इसको अपलोड हम ही करेंगे, क्योंकि रात में हमारे असिस्टेंट लोग कोई नहीं रहते हैं, हम ही अपलोड करेंगे, थंबनेल हम ही लगाएंगे, और जो आप लोग क्लास को ज्वाइन किए उनको शेयर भी हम ही करेंगे। और बाकी ये कैमरे के सामने आके जो नाटक किया जाता है ना, वो कैमरे के पीछे तय किया जाता है कि क्या बोलना है, कैसे करना है। बाकी आज मैं आपको सच्चाई बता दिया, कोई बताता नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, नियरेस्ट 1000 ये भी करना है। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये 28,292 है ना, ये किसके नियरेस्ट है? जरा सोचो एक बार, ये नियरेस्ट है, अगर ये 1000 में है तो हम इसका नियरेस्ट 1000 लेंगे। तो नियरेस्ट 1000 लोगे आप तो ये 28,000 के नियरेस्ट है, बस किसके, 28,000। दूसरा वाला लोगे 21,496, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर 499 रहेगा तो उसका नियरेस्ट 1000 पीछे वाला नंबर होता है, यानी कि इसका नियरेस्ट 1000 होगा 21,000। इस तरह से सिंपल में इसको क्या करोगे, घटा लोगे, सबट्रैक्ट कर लोगे, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सभी देख रहे हो ना जो मिल रहा है, ये 7,000। नोट करिए जल्दी से, फटाफट छाप लीजिए इसको। तो हम लोग आगे चलते हैं। जो भी छात्र अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो तुरंत कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो कौन, हमारे दादा का नुकसान होने वाला है, मत करिएगा, क्लास आपको खुद ही नहीं मिलेगी, है ना? तो अगर पढ़ना वढ़ना है भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे कि अगली क्लास भी मिल सके और हम आपको इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण वीडियोज दे सकें। ये मैं क्या क्या लिख रहा हूँ इधर देख लो भाई, कुछ लोगों के बहुत ही फेवरेट चीज़ें हैं ये टिकटॉक भी मैंने लिख दिया, और एक आपका सबसे बड़ा दुश्मनी वाला प्लेटफॉर्म अनएकेडमी, आप लोग देखते होंगे, इस पे कोई मज़ेदार वीडियो नहीं मिलता है ना? तो अनएकेडमी में क्या होता है मालूम है? ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म है। स्पेलिंग सही है गलत है देख लो बस। और फेसबुक, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बुक देखते हैं, लेकिन स्टडी वाली बुक भी आप देख सकते हो। पीवीआर स्टडी आप सर्च करेंगे फेसबुक पर तो पेज मिल जाएगा, जिस पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासें मिल जाएंगी। अगर आप हमें टिकटॉक पर ढूंढेंगे ना तो उस पर भी मिल जाएंगे हम, डांस देखिएगा अच्छा वाला, ठीक ना? और हाँ, अनएकेडमी पर भी फॉलो करिएगा। इतना ही नहीं, आप सभी हमें गूगल प्लस और
इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर साथियों अगली क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। याद रखिएगा अब ये क्लास हर दिन सुबह 5 बजे से होगी। यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मिलके भी आगे आप लोग बताइएगा, हम सब कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल होंगे अभी, वो आप कमेंट करके बताइएगा। मन तो नहीं हो रहा जाने का, लेकिन फिर भी चलते हैं चूँकि हमें भी सोना है। और आप लोग सोच रहे होंगे जो, वो ठीक है, अच्छी बात है। तो 1 बजने वाला है अब, है ना, चलते हैं फिर। एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये क्लास रात में रिकॉर्ड हो रही है, आप सभी की सांत्वना के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माहौल देख करके आपको लग रहा होगा कि सुबह सुबह ये कैसे दिख रहा है, कैसे क्या हो रहा है ना। तो लेकिन ये क्लास आप 5 बजे ही देखेंगे, हम रिकॉर्ड इसे चाहे रात में 1 बजे करें, चाहे 3 बजे करें, चाहे लाइव आएँ, किसी भी तरह से हम हर हाल में जब तक सांस में सांस है क्लास आपको उसी टाइम पर देंगे। जय हिंद साथियों, उम्मीद को बना के रखिएगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और चलते चलते एक निवेदन होगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो हमारी कोशिश होगी इसी तरह से आपके लिए समर्पित रहेंगे, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिल में चोट सी लगती है। आप लोग समझते हैं कि दिल में चोट लगने पे कितना दर्द होता है ना, तो फिर मत करिएगा, इस चोट शेयर जरूर करिएगा।